हजीर की नमाज पढ़ के हम यहाँ आए। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। और आज हम दिखाएंगे आपको कलयुग की निशानियां। शरीफ आदमी को इज्जत बचाना मुश्किल, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन माता पिताओं को जो अपनी बेटियों का करते हैं सौदा। गलत आरोप लगाकर बेटियों को इस्तेमाल करते हैं। विस्तार से हम आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे पूरी कहानी। दूध का दूध पानी का पानी। दो दिन पहले हमने खबर दिखाई थी थाना आरसी मिशन में, जिसमें माँ बाप ने अपनी बच्चियों को आरोप लगाया था, लेकिन मामला उल्टा निकला। मोहल्ले वालों ने कहा पेशेवर लोग हैं। इसके बाद पीड़ित परिवार ने कप्तान के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया। कप्तान ने दिया निष्पक्ष जांच का आदेश। लेकिन शर्म की बात है कि ऐसे माता पिता जो अपनी बच्चियों की इज्जत की परवाह न करके पैसे के चक्कर में सौदा करते हैं। इसी बीच शरीफ लोग, परिवार के लोग पहुंचे कप्तान के दरबार में। कब? सुनिए, ये बताइए आप यहाँ कब से? हजीर की नमाज पढ़ के हम यहाँ आए। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। यहाँ क्यों आई हो? क्या हुआ? क्यों बैठी हो सुबह से फजीर की नमाज पढ़ के? ऐसा क्या हो गया आपके साथ? अरे बच्चों पीछे लड़ाई हुई तो हम ये पूछने गए थे कि हम शिकायत करने गए थे, और शिकायत तो उन्होंने सुनी नहीं और सबने मिल के चिपट के मार लिया। और हम सड़क पे पड़े हुए और किसी को चैन नहीं लगाने देती है। हम हल्ले में भी बजे ही चाहिए। कौन है वो? आरिफ और तबसुम। अच्छा। और उसकी बच्चियाँ हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, जैसे ही उनकी बच्चियाँ हैं। हम जो नहीं चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि बस नहीं आए। तो उन्होंने जो आरोप लगाया है बच्चियों पे, वो क्या? वो कमाई खाते हैं, इसी बात की रोटियाँ खाते हैं। वो कमाई खाते हैं, इसी बात की रोटियाँ खाते हैं। वो कमाई खाते हैं, इसी बात की रोटियाँ खाते हैं। अच्छा। हाँ, अब हम बुढ़ापे पे क्या करें बेटा? हम तो यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिल जाए। तो कौम को क्या हो गया? छोटी छोटी बच्चियों को ये इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो उनकी जवानी में क्या हाल होगा? पता नहीं बेटा क्या करना चाहती है क्या नहीं। हमने तो कभी किसी से लड़ाई लड़ी ही नहीं है। हम चाहते भी नहीं हैं कि लड़ाई हो। हम तो हाथ जोड़ लेते हैं, मगर हमें ये नहीं पता था कि हम शिकायत करने जाएंगे तो हमें ये बुढ़ापे पे मिलेगा। तो इनने अपनी बच्चियों पे झूठा आरोप लगाया? झूठा आरोप लगाए थे। किसी और के साथ भी ऐसा कहा? हाँ, तीर पड़ोस में वो तो ये करती है कि लड़ाई लड़ती है और फिर अपना आप भी मारती है, पुलिस वालों से भी मार करवाती है। अच्छा, पेशा बना लिया। हाँ, बस यही उसका। तो क्या पैसा लेती है क्या? कुछ पैसा ही लेती है। ये बताइए आपका क्या नाम है? हमारा नाम वसीम है। वसीम भाई, ये बताइए कि क्या मामला था? आप लोग कितनी देर के बैठे हुए हैं? हम लोग सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आए और यहाँ बैठे हुए हैं। फजर से बैठे हो? जी। तो आज तो संडे। आज संडे है तो न्याय के क्या हुआ था? क्यों? क्या ये जो बच्चियों ने गलत आरोप लगाया है, उसके माँ बाप ने, आरिफ ने और तबसुम ने, अल्लाह बेहतर जाने हमारी कौम को क्या हो गया है। बहुत मामला ख़राब है। हम तो ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होए और जो भी गुनहगार हो उसको सज़ा मिले। तो ये बताइए जो आरोप लगाया, ये तो और भी किसी पे लगा चुके हैं? और हमारे पड़ोस में वो हैं, हमारे ही नाम के हैं, वसीम उर्फ लल्ला, उनके लड़के पे इल्ज़ाम लगाया और उसने तो ये अपना पेशा बना रखा है कि बच्चियों को आगे करके और पुलिस थाना करके और उनसे पैसा दूना। और उसने तो ये अपना पेशा बना रखा है कि बच्चियों को आगे करके और पुलिस थाना करके और उनसे पैसा दूना। और उसने तो ये अपना पेशा बना रखा है कि बच्चियों को आगे करके और पुलिस थाना करके और उनसे पैसा दूना। अच्छा, फिर बाद में समझौता कर लेते? बाद में समझौता हो जाता है, राजीनामा कर देते हैं। क्यों आई? अरे वो बच्चे में लड़ाई हुई और हम गए बुलाने कि हमारे लड़के को छोड़ दिया जाए। बच्चों ने बताया, अब उधर गली में थे, लड़का हमारा हमें दिख नहीं रहा था, तो हम वहाँ आगे बढ़ के गए। हमने क्या तो वो निकली आई, कहने लगी हाँ क्या बात है, ये तो आता है बुलाने, ये है वो है, और हमें पकड़ के अंदर खींच के सड़क ही पे ही मारा बहुत। और जो लोग मोहल्ले के आदमी सब देख रहे थे, दुकान खुली थी,
तो डर के मारे किसी ने बचाया भी नहीं। तो क्या इतना दबदबा है उनका? जी, कि अगर कोई लड़का हाथ लगा देगा उनके तो उनके लिए बवाल वो कर देंगी। इसलिए हम सड़क पर पड़े थे, मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 लड़कियां, 1 लड़का, तो वो रो रहे थे बुरी तरीके से। और मोहल्ले में पुलिस को बयान भी ये दिया है, हादी जी ने बताया पुलिस वालों के ऐसा ऐसा हुआ। और मेरे घर में उस दिन सास कोई थी नहीं। अच्छा, जो बच्चियों पे आरोप लगाया है उसने, ये तो उनने गलत लगाई। दूसरे दिन सास हमारी पूछने गए कि आरिफ से शिकायत कर देंगे कि ये बहू को अकेले घर क्यों मारा। अरे बच्चों बच्चों में तो हो जाती है लड़ाई, उसमें इतना थोड़ी होता है। तो वो कहने लगे इनको बहुत मारा, फिर ये हम बाहर निकले कुरियरियाँ मंगाने के लिए। देखो पता नहीं क्या चीज़ मारी, जब अल सब हमारे नीचे हुए और सब उनसे परेशान है, मगर उनसे डरते बहुत हैं कि ये कौन इनके मुंह लगेगा। कोई गाली भी दे ले तो कोई बोलता नहीं है कि ये तुरंत पुलिस थाना करती है। तो उसने बच्चों को हथियार बनाया है, बच्चियों को इस्तेमाल करती है जी, लड़कियां हैं। तो इतने इस तरीके की कई घटनाएं कर चुकी है। उधर पीछे उसका गेट है, उधर तो 2 बार ऐसा हो चुका है, 2-3 बार। बाद में समझौता कर लेती, बात कर समझौता, वही ये कर दिया हमारे साथ। क्या कर चाहती है ये फिर बाद में? अब वो यही बचा रही है कि जिसे हम लोग भी पैसा दें और समझौता कर, बचा रही है कि जिसे हम लोग भी पैसा दें और समझौता कर, बचा रही है कि जिसे हम लोग भी पैसा दें और समझौता कर, बचा रही है कि जिसे हम लोग भी पैसा दें और समझौता कर। मतलब पहले बच्चियों पे आरोप लगवाया, तो किस तरीके की माँ है उसको मरना नहीं है? देखिए कि जवान लड़कियाँ और कुछ तो इंसान शर्म करता है, हैं? मगर उन्हें कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, लड़ाई अब नहीं है ना, बच्चे पढ़ने वाले, अब वो लोग पढ़ने ही जा रहे थे, हाजी उन्हीं के घर जाते हैं पढ़ने। तो आपने प्रार्थना पत्र न्याय के लिए दिया? न्याय के लिए दिया है कि जाँच कर ली जाए। जी, इसकी जाँच करी जाए। अच्छा, मोहल्ले वालों को तो ये पता होगा सब इस तरीके की? जी, सबको पता।